शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी शहर में फायर हाइड्रेंट के बंद होने की खबर लाइव टाइम्स टीवी ने प्रमुखता से उठाई थी। खबर चलने के बाद एसडीएम ज्वालामुखी धनवीर ठाकुर ने बंद पड़े हुए फायर हाइड्रेंट को विभागीय अधिकारियों को तुरंत चालू करने के आदेश दिए और एसडीएम के आदेशों के बाद फायर हाइड्रेंट चालू हो गया। गौरतलब है कि फायर हाइड्रेंट बंद होने की समस्या के चलते फायर विभाग को देहरा से पानी लाना पड़ रहा था। इस समस्या से अब राहत मिलेगी, अब ज्वालामुखी में ही पानी उपलब्ध हो पाएगा। वहीं अग्निशमन विभाग के इंचार्ज मनोज कुमार ने एसडीएम व जल शक्ति विभाग का शुक्रिया अदा किया है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो गया है। वहीं एसडीएम धनवीर ठाकुर द्वारा जनहित की समस्याओं को प्रमुखता से पहल करते हुए निवारण करने के प्रयासों की सर्वत्र जनता में सराहना हो रही है। 5/2021 को नजदीक सब्जी मंडी ज्वालामुखी के साथ लगे हाइड्रेंट को चेक किया गया, हाइड्रेंट जो है सही पाया गया। अतः मैं एसडीएम ज्वालामुखी वो आईपी विभाग का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने की हमारी समस्या का समाधान किया, इसलिए सबका धन्यवाद। जय हिंद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ज्वालामुखी से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े, थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले, हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले, दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें। अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मले, नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं, अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछ कर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम, लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े, थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले, हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले, दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें। अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मले, नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं। अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछ कर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम, लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।